फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। जैसा कि हम पहले वीडियो में हल्दी तक का वीडियो डाले थे, उसके बाद ये लावा भूनने की भी रस्म चल रही है, और इसमें बारात जयमाल जो बारात गए हैं दुल्हन की विदाई तक का वीडियो शूट किए, वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पे लावा भून गया है और दीदी जो है घूम घूम कर लावा बेच रही है। ये नेग होता है, ऐसा नहीं कि बेचना कुछ, यहाँ पर दुकानदारी चल रही है, और इसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो कि यहाँ पर दीदी कर रही है। और और यहाँ पे रेडी हो गए हैं एक्चुअली दूल्हे राजा, तो निकल रहा है बारात। ये पूजा घर के पास कुछ पूजा वगैरह होती है, तो यहाँ पे वो सब चल रहा है, और बस यहाँ से अब निकल जाएंगे। तो ये मेरे पापा जी हैं, और ये पतिदेव, और ये मेरे पापा जी थे इस साइड में। तो यहाँ पे सब चीज़ हो गया है, अब घर से बाहर निकल गए। घर के आगे जहाँ पे ये तिलक हुई थी, वह पंडाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहीं पे रिसेप्शन भी होगा, और आगे दूल्हे की गाड़ी भी लगी हुई है। गाड़ी बिल्कुल सज के आ गया है, और उनकी गाड़ी खुल गई है, वो आगे निकल गई बारात के लिए, और ये हम लोग की गाड़ी है, तो हम लोग भी बारात जा रहे हैं। ये दीदी है, ये मेरी सिस्टर, ये मेरा भाई, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पीछे बच्चा पार्टी है सब, क्योंकि हम लोग सब अलग नहीं होना चाह रहे थे, बस सोच रहे थे सब लोग एक साथ ही गाड़ी में, चाहे कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, मज़ा आता है साथ में जाने का। और ये रास्ते में विक्रमशिला पुल है, आई थिंक यस, विक्रमशिला पुल है, जो लोग भागलपुर बेगूसराय लोग साइड होंगे उन्हें पता होगा। तो फाइनली हम लोग बारात वाली जगह पे पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रुकने का एक्चुअली जगह बना हुआ है, बट हम लोग थोड़ा सा बाहर बैठे हुए हैं सब लोग। अंदर कुछ कुछ चल रही थी, तो हम लोग यहीं पे भी बाहर बैठ गए हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर। और हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए, ड्रेस चेंज करके आ गए हैं, तो बस बारात निकलने के लिए रेडी है। तो निकल गई है, रेडी क्या, हम लोग बस रास्ते में बहुत डांस वगैरह चल रहा है, सब लोग खूब डांस कर रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो शूट। रही थी, मेरा इस पर कहीं नहीं अब दिखेंगे। और ये देखो मेरे छोटे राजकुमार कैसे डांस कर रहा है, मेरा बेटा। तो बस सब डांस कर रहे हैं। लाली लाल माँ तुम्हें समर्पित है, पलकों पर चमकती बूंद ढलने के लिए होती है। अब वह दिन आ गया है, कुल धर्म की लाज रखना कुल रक्षणी का कर्तव्य है। आंचल तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं लड़की के घर, मतलब जहाँ पे पंडाल बना हुआ है, यहाँ पे जयमाल होगी। तो ये मेरी भाभी है, मतलब मेरी बुआ सास की बहू, मतलब मेरी भाभी ही है, और मेरी सिस्टर है, दीदी है, सब लोग यहाँ पे। हम लोग, ठंड बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे गर्म गर्म कुछ केसर वाली दूध क्या दे रहा था पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जो भी था कुल्हड़ में था, इस वजह से पी रहे थे, क्योंकि मिट्टी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। और यहाँ पर आ गए हैं, मेरे देवर जी बैठ गए हैं, और पापा जी यहाँ पे कुछ अभिनंदन पत्र वगैरह पढ़ा जा रहा है। अब बस दुल्हन भी आ गई है, और जयमाल एक्चुअली हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। हेलो, और मैं अभी अभी जस्ट होटल में आ गई हूँ, बस एक्चुअली यहाँ पे आ गए, शादी हम लोग पूरा नहीं देखे, और रेस्ट करने के लिए यहाँ पे होटल में आ गए हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप एक्चुअली शूट की है, कुछ कुछ जो मेन मेन मुझे लगा फंक्शन का शूट करना, वही चीज वही वीडियो हम लोग शूट किए। और शादी का तो वीडियो हम कुछ नहीं आप लोग को दिखा पाएंगे, एक्चुअली शादी का वीडियो नहीं शूट किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे थे, तो हम लोग होटल पर आ गए हैं। तो बस यहाँ पर आके अब ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करें, और अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, क्योंकि अगर टाइम मिला तो उन लोग से मिलेंगे घर पर जाकर थोड़ा सा। तो अगर कुछ क्लिप शूट किए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट होटल से ही हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेश हो जाए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। क्या हुआ? और ये हमारे होटल का ओवरऑल व्यू है, देखो इधर क्या डांस कर रही है, अंशिका डांस कर रहा है, ये मेरी बहन, बस। और अभी सब धीरे धीरे आ रहे हैं, और ये देखो टुल्लू कितना टायर्ड हो गया, सो गया ये।
नीचे खुला था। देखो कौन आया अंदर। तो जैसा कि हम बोले थे कि हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं निकलना हुआ, सारा प्लान चेंज हो गया है। और सॉरी, मेरे थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आवाज़ आप लोग को क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और ये सुबह की रस्म है जो कि शादी के बाद होती है, घूंघट आशीर्वादी बोलते हैं, तो ये करने हम लोग घर पे आ गए, एकदम अर्ली मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंजॉयिंग इन बेगूसराय इन केडीएम होटल। हेलो, और मॉर्निंग का अभी तो आफ्टरनून होने जा रहा है। नहीं, एक्चुअली सुबह से हम लोग खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए सबका मुंह सूखा हुआ है। चलो अभी खाने जा रहे हैं और नीचे दिखाते हैं क्या क्या खाना मिल रहा है हम लोग को, है ना। तो वापस हम लोग होटल आ गए थे, तो यहाँ पे फिर से खाना पीना चल रहा है, हम लोग का खाने पीने की तैयारी हो रही है। और खाना खाने के बाद फिर से हम घर जाएंगे, क्योंकि विदाई का टाइम हो रहा है, तो लड़की लोग को विदाई करके फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। जब रुक गए तो सब साथ में ही निकलना अच्छा होगा। और हम अभी लड़की के घर पर आ गए। यहाँ पर देखो दूल्हा भी बहुत खुश है, एक्चुअली नॉर्मल ड्रेस में भी बैठा हुआ है, और ये विदाई चल रही है। एक्चुअली बहुत ही सीन ऐसा होता है, मैं यहाँ पे म्यूट करती हूँ आवाज़ को, एक्चुअली बहुत रोने की आवाज़ हो रही थी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं, उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट।